नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सरकार ने निर्यात और आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहनों की घोषणा की। जीएसटी नेटवर्क ने नए विक्रेताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज का एकल खिताब जीता। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम धर्मशाला में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। ड्यूटी के दौरान शहीद 122 सैनिकों के परिवार के लिए सूरत में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि उसने नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कराई तो भारतीय सेना तैयार है और वह घुसपैठियों को वापस नहीं जाने देगी। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भी गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में सिखों, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, हैं और रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए के नए उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार सस्ते और मध्य आय वर्ग की अधूरी आवास परियोजनाएं पूरी करने के लिए विशेष व्यवस्था के तहत 10,000 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि इससे देश के लगभग 3.5 लाख परियोजनाओं को फायदा होगा। स्पेशल विंडो किफायती और मध्यम आय वर्ग आवास के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था से गैर एनपीए और गैर एनसीएलटी से परे उन आवासीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन की जरूरत पूरी होगी जो मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और लाभकारी है। इन अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम कैटेगरी टू बी सेट अप। अन्य महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए कर और शुल्क वापसी योजना, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड, निर्यात ऋण नियमों में संशोधन और निर्यात ऋण बीमा योजना का दायरा बढ़ाना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा, लेवरेज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस प्रभावी तकनीक से निर्यात में लगने वाले समय में कमी आएगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आगे भी तकनीक का सहारा लिया जाएगा जिससे कि बंदरगाहों पर लगने वाले समय की बचत हो। निर्यात वित्त की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्री स्तरीय कार्य समूह भी गठित किया गया है। इसके अनुसार निर्यात उत्पाद पर शुल्क छूट योजना की घोषणा की गई है। वस्त्र और अन्य सभी क्षेत्र जिन पर मौजूदा समय में माल निर्यात पर 2% का प्रोत्साहन मिलता है, वे 1 जनवरी 2020 से निर्यात उत्पाद पर शुल्क छूट योजना में शामिल हो जाएंगे। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निर्यात ऋण गारंटी नियम द्वारा निर्यात ऋण बीमा सेवा का दायरा बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मार्च 2020 में 4 स्थलों पर वार्षिक मेगा शॉपिंग उत्सव का आयोजन करेगा। भारतीय उद्योग ने निर्यात और आवास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहनों का स्वागत किया। भारतीय उद्योग महासंघ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा
कि ये उपाय निर्णायक और व्यापक हैं तथा इनसे निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। एसोचैम के अध्यक्ष बीके गोयनका ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों से भारतीय निर्यातक विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ CAIT के अध्यक्ष BC भट्टरिया ने कहा कि इन घोषणाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न मंत्रालयों में कार्यदलों का गठन किया गया है। GST नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य वस्तु और सेवा कर में गड़बड़ियों को रोकना है। GST नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉइस दिए जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और ये प्रक्रिया 3 दिन में पूरी होगी। सुशील मोदी ने कहा कि GST नेटवर्क ने इस वर्ष 24 सितंबर से एक ही स्रोत से पूरी तरह ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था का फैसला किया है। GST परिषद की अगली बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ धन शोधन मामलों में कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रामन और उनकी पत्नी पद्मा भास्कर रामन से पूछताछ की है। भास्कर रामन ने खातों और भुगतान में कथित रूप से जोड़तोड़ की थी। कार्ति चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में सह अभियुक्त हैं। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के निजी सचिव KVK पेरुमल से पूछताछ की गई थी। समझा जाता है कि इनको फर्जी कंपनियों के जरिए भारत और विदेश में कार्ति चिदम्बरम की बेनामी और छिपाई गई संपत्तियों की जानकारी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नीरज सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोलकाता, पटना और मुंबई में 2 स्थानों पर छापे मारे। इससे पहले नीरज सिंह पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। नीरज सिंह द्वारा पद के दुरुपयोग से अपने साथियों को अनुचित फायदा पहुंचाने से बहुत अधिक संपत्ति जमा करने से संबंधित कोलकाता पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ कल शाम लगभग 6 बजे चिंतल नार पुलिस थाना क्षेत्र के निकट जंगल में हुई। नक्सलवादियों के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में तलाश शुरू की थी। मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने और इसके विकल्प तलाशने के लिए स्टार्टअप शुरू करने को आगे आएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कल उत्तर प्रदेश सम्मेलन में घोषणा की कि सरकार नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रूपये की निधि बना रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित अपनी तरह के इस पहले आयोजन में सैकड़ों की संख्या में युवा पेशेवरों, छात्रों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया, जो प्रदेश के साथ ही देश के अन्य इलाकों से भी आए थे। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, पर्यटन और परिवहन सहित तमाम क्षेत्रों में स्वतंत्र और समग्र स्टार्टअप नीति लेकर आएगी। उन्होंने इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ छात्र स्टार्टअप और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार देने के साथ ही एक स्टार्टअप बस को भी रवाना किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार ने रोगों का समय पर पता लगाने और निदान के लिए 1,73,00,000 परिवारों के 8,66,00,000 लोगों के लिए रोगी खोज अभियान शुरू किया है। इसके लिए 14,000 सर्वेक्षक काम करेंगे। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि प्राथमिक तौर पर इस योजना का लक्ष्य कुष्ठ रोग और तपेदिक रोगियों को मदद करना है।
विदेश सचिव विजय गोखले 16वें विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए आज दो दिन की ईरान यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि गोखले वहां ईरान के विदेश सचिव सैयद अब्बास अरागची के साथ बातचीत करेंगे। बलूचिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचार और हिंसा के खिलाफ जिनेवा में एक पोस्टर अभियान शुरू किया है। बलूच नरसंहार रोको शीर्षक से यह अभियान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 42वीं बैठक के दौरान आयोजित किया गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। कल फाइनल में उलटफेर करते हुए 18 वर्षीय लक्ष्य ने दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर स्वेडेसेन को लगातार गेम में 21-14, 21-15 से हराया। इस बीच सौरभ वर्मा आज वियतनाम ओपन बैडमिंटन के फाइनल में चीन के सुन फेई शियांग से खेलेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त सौरभ ने कल सेमीफाइनल में जापान के मिनोरू कोगा को लगातार गेम में हराया था। इधर धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 20-20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने निर्यात में तेजी लाने और रियल एस्टेट के लिए सरकार द्वारा की गई अहम घोषणाओं को सुर्खियों में दिया है। हिन्दुस्तान ने इसे राहत बताते हुए लिखा है अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन। अखबारों ने निर्यात बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यक्रम तथा अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोष बनाए जाने को भी अहमियत दी है। अमर उजाला ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर भारतीय सैनिकों द्वारा करारा जवाब दिए जाने की खबर चित्र सहित दी है। दैनिक जागरण की खबर है भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 2 सैनिकों के शव शनिवार को सफेद झंडा लहराते हुए पाकिस्तानी सेना ने उठाए। सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर दिया है। लिखा है सीबीआई को बुलाने पर भी नहीं पहुंचे राजीव। अखबारों ने लिखा है खराब गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनने पर भी कट जाता है चालान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सरकार ने निर्यात और आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहनों की घोषणा की। जीएसटी नेटवर्क ने नए विक्रेताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज का एकल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।